वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अमन अमान से मुतालिक इजलास, सानहा 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारियों और केसेस पर पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इजलास में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर आए? जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा कि इस वक्त लाहौर में है और वहाँ पर एक अहम इजलास हुआ है जिसमें अमन अमान के मुल्क में सूरत हाल पर गौर किया गया है और अब तक जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उसमें जो पेशरफ्त हुई है और मुलविस जो अफराद थे उनका जो ट्रायल किया जाना है उस हवाले से जो इकदाम थे वो उस पर ब्रीफिंग दी गई है मुतलका हुकाम को, हुकाम की जानिब से। और इसी तरह से आइंदा ऐसे वाकयात के सद्देबाब के हवाले से वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं कि ऐसे अनासिर जो कि ऐसे वाकयात में मुलविस थे उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम और सद्देबाब के इकदाम लिए जाएंगे। तो इस हवाले से सूबे की मजमू जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की उसका भी जायजा लिया गया है और दाखिली अमूर पर जो है वो जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी है जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया है। जी ठीक है जावेद हुसैन, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।